इमाम हुसैन की याद में ईरानी समुदाय द्वारा दुर्ग शहर में निकाला गया मातमी जुलूस, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष व बच्चे हुए शामिल। शहीदाने इमाम हुसैन की याद में 40वीं सालगिरह के मौके पर दुर्ग के ईरानी समुदाय द्वारा मातमी जुलूस निकाला गया। ईरानी कॉलोनी से गांधी चौक पटेल चौक होते हुए दुर्ग के पुराना बस स्टैंड जुलूस पहुंचा और जहां सभी उपस्थित ईरानी समुदाय द्वारा मातम कमा खत्म हुआ। इस मौके पर जुलूस में अकबरपुर से शामिल मौलाना मोहम्मद आमिर द्वारा तकरीर की गई और जुलूस का उद्देश्य बताते हुए कहा गया कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं, क्या ये सच है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर जुल्म हुआ। वहीं इस जुलूस के बारे में जानकारी देते हुए समाज के पाशी अली, अली हुसैन, नासिर अली, शाहरुख हुसैन ने बताया कि जुलूस में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई सहित अन्य जगहों से बड़ी संख्या में ईरानी समाज के महिलाएँ, पुरुष, बच्चे शामिल हुए हैं और इमाम हुसैन को आयोजन नवासे रसूल यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के उन्वान से यानी उनके सोग में हम लोग शोक मना रहे थे। यह आयोजन फ़कत और फ़कत इसलिए है कि हुसैन शहीद इंसानियत हैं। आज भी अगर आप दुनिया पर निगाह करें और दुनिया में देखें तो एक लफ्ज़ जिसे हर समाज में मोहब्बत मिलती है और जिससे हर इंसान प्यार करता है उसे शहीद कहा जाता है। लफ्ज़ शहीद का हर मज़हब में, हर धर्म में, हर कास्ट में एहतराम है। क्यों का? इसलिए कि शहीद वो होता है जो अपनी जान अपने लिए नहीं गंवाता बल्कि अपनी जान को लोगों के लिए गंवाता है। अभी हिंदुस्तान बहुत सारी मौतें होती हैं, बहुत सारे लोगों का इंतकाल होता है, लेकिन अगर ख़बर मिल जाए कि बॉर्डर पे हमारी निगहबानी करने वाला, हमारी हिफाजत करने वाला कोई जवान लोगों की रक्षा करते हुए, लोगों की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया है तो पूरा हिंदुस्तान उसे सैल्यूट करता है, उसे सलाम करता है। क्यों का? इसलिए कि उसने अपनी जान को अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए दी है। तो कानून यही है कि अगर इंसान अपनी जान को लोगों के लिए गवाए तो उसे सैल्यूट किया जाए, उसे सलाम किया जाए, उसकी याद को मनाया जाए, उसके गम में लोगों को, उसके घर वालों को पुरसा दिया जाए। आज हम जिसकी याद मना रहे हैं, जिसके बारगाह में हम पुरसा दे रहे हैं, ये शहीद इंसानियत हैं। यानी इमाम हुसैन ने यजीद से मुकाबला करके, यजीद के ख़िलाफ़ क़याम करके इंसानियत की हिफाजत की है और आज ये अलम, ये ताज़िया, ये तमाम तर जुलूस जो काले कपड़े में, सियाह लिबास में लोग जमा हुए हैं, ये फ़कत इसलिए जमा हुए हैं ताकि दुनिया वालों को बताया जा सके हमारी कौम हुसैनियों की कौम है। हम जब भी क़याम करते हैं तो मज़लूमों से हमदर्दी करते हैं, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ क़याम करते हैं। और याद रखिएगा, ये हमारा हमेशा का कानून रहा है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम मुल्क के साथ वफादारी भी करते हैं, अपने तमाम तर शहीदों को सैल्यूट भी करते हैं। इसलिए कि मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत निस्व ईमान है, मुल्क से मोहब्बत निस्व दीन है। और अगर आप गौर कीजिए तो इमाम हुसैन जब मदीने से निकले थे तो उन्होंने फ़कत एक मुल्क को चुना था जहाँ आने की ख्वाहिश थी, जहाँ वो आना चाह रहे थे, उस मुल्क को हिंदुस्तान कहा जाता है। आज भी पूरे दुनिया में जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा आज़ादारी को बा आसानी इंसान अंजाम दे देता है उस मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं। लिहाजा शहीद इंसानियत की याद मनाना और शहीद के गम में पुरसा देना ये ख़ुद एक ऐसी अजीम चीज़ है कि जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता है। यह इमाम हुसैन का क़याम यजीद के ख़िलाफ़ था जो ख़ुद यजीद लोगों में बेहयाई, उरियानियत, ज़िना, इन तमाम चीज़ों को आम करना चाह रहा था, फैलाना चाह रहा था। हुसैन ने क़याम करके कहा, देखो मैं अपना खून दे दूँगा लेकिन मैं इंसानियत का गला नहीं घुटने दूँगा और हमेशा इंसानियत की हिफाजत करूँगा। इमाम हुसैन की याद में इनके 40वें का जुलूस था जो ईरानी डेरा से होते हुए अपना इंदिरा मार्केट में तलवार और जंजीर का मातम किए हुए हैं और उसके बाद ये जुलूस शहर भ्रमण करते हुए वापस ईरानी डेरा में समाप्त हो गया। इस जुलूस में तकरीबन रायपुर, नांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और बहुत सारी अंजुमनें शामिल थीं जो इमाम हुसैन के 40वें में यहाँ शामिल हुई हैं। ईरानी समाज की तरफ से जुलूस निकाला गया है। हम पुराना बस स्टैंड होते हुए, मोती कॉम्प्लेक्स होते हुए इंदिरा मार्केट में मातमी जुलूस किया गया है और जंजीर तलवार का मातम करके उस जुलूस को अपन दुर्ग ईरानी समुदाय की तरफ से वापस केलावाड़ी आ चुके हैं। कम से कम 250-300 लोग आते शामिल थे इसमें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।